नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रपालिन सिंह। सर क्या करते हैं? मैं अपने प्राइवेट जॉब करता हूँ। सर कब से जुड़े हुए हो आप डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता भी इससे जुड़े हुए थे, हम बचपन से ही यहाँ पे आते हैं। सर आप कहते हो इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कैसा माहौल देखा है आपने संत जी के? माहौल यहाँ से अच्छा हमें कहीं माहौल नहीं दिखा जी, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। सर आप कहते हो इतना अच्छा माहौल देखा, मगर मीडिया चैनलों पर आपको भी पता है क्या कुछ दिखाया होगा? मीडिया तो अपना जो उसे झूठ बनाने का सच, मतलब झूठ को सच बनाने का उसे वो मिला हुआ है, वो झूठ को सच दिखाती है। सर ये यहाँ बिल्कुल कोई ऐसी वो नहीं है, बिल्कुल एकदम सही एकदम। सर आप कहते हो कि मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया झूठ है। हाँ। क्या संत जी ने कार्य करे हैं समाज के लिए, समाज हित में? हमारे संत जी ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बस ये है अपनी हम जवान से वर्णन नहीं कर सकते, देखते हैं हमें देखने से ही बहुत कुछ अच्छा लगता है हमें। सर संत जी ने आप जो भी कार्य करे हैं तो आखिर सामने क्यों नहीं लाए जाते, क्यों नहीं दिखाए जाते? अच्छा सही है, अपना जो यहाँ पहली बात तो यह है कि अपने इस डेरे में हमारे पहले फ़ोन नहीं होते थे, अब तो लेके आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो मीडिया है वो जो है कुछ अलग ही दिखाती है, उस वैसे मीडिया जो है। लड़कियाँ सुरक्षित हैं डेरे के अंदर? काफ़ी अच्छी सुरक्षित, विश्वास करते हो आज भी संत? ज़्यादा विश्वास। सर क्या दिया है जो आप कहते हो इस समय आपको विश्वास है जब संत जी यहाँ पर समाज में नहीं है उस समय भी? हमें मालिक ने नाम दिया है, हम उस नाम से चलते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, एक सौ कुछ भलाई कार्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उन कार्य पर हम चलते हैं, कुछ उससे कुछ सीख मिलती है बहुत कुछ। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करेंगे हमारे पिताजी पर जो आरोप है उन्हें रद्द कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी रिहा कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा लगातार लोग जुड़ते हैं, वो यही कहते हैं लड़कियां सुरक्षित हैं, हम सालों से यहां पर आते हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा, फिर मीडिया चैनलों ने 15 दिनों में सिर्फ वहां पर जाके ऐसा क्या देख लिया जो इतना ही जो न्यूज़ बनाई, ना ही अच्छे कार्य दिखाए गए संत जी द्वारा। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर